तो भाई मस्त रील वील शूट हो चुकी है। फिलहाल यहाँ इस लोकेशन पे रुके थे एंड यहाँ पे ना भाई कार में गाने बज रहे थे, मस्त रील शूट कर रहे थे, तो भाई हमने भी उसी गाने पे रील शूट कर लिए। एंड ये रहा सुमित है, सुमित भी अभी रील शूट करने वाला है एंड बहुत लोग यहाँ पे रील शूट कर रहे हैं। देखो भाई गाइस थम्स अप फॉर दैट। सो भाई अभी हम लोग सकुंडा देवी पहुँचने वाले हैं। जस्ट अभी आप देख पा रहे होंगे ये पहाड़ दिख रहा है, ये पहाड़ की चोटी में मंदिर एंड ये रहा सकुंडा देवी। तो भाई बर्फ तो मस्त पड़ी हुई है। तो फिलहाल टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 4 बज चुके हैं एंड फिलहाल अपने को ना देहरादून में वापस होना है या समझ में नहीं आ रहा फिलहाल, क्योंकि भाई यहाँ तो रोड ठीक है बट इससे पहले रोड ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सो भाई ठीक है जी, ठीक है, ओके बाय बाय। सो मस्त यहाँ पे जो है ना रील शूट हो गई है भाई, कुछ लोग यहाँ पे मेंबर्स मिल गए थे तो उनके साथ भाई रील शूट कर लिए, तो आपको इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे सारे रील और ब्लॉग में भी साथ में मिल जाएंगे। ले ली देन फिर अभी हम लोग निकलते हैं सीधा सकुंडा देवी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वी आर लेट क्योंकि 4 बज चुके हैं इस समय एंड अपनी फ़ोन की बैटरी भी हो चुकी है डेड। आगे के वीडियोस कैसे मिलेंगे पता नहीं क्योंकि फ़ोन की बैटरी हो गई डाउट है। पावर बैंक लेके आता यार, पावर बैंक भी नहीं लेके आया मैंने, बट मेरा फ़ोन कहाँ है? और तेरा फोन तेरे पास होगा, बैग में तो नहीं डाल दिया? और इसी के साथ बहुत धूप निकल चुकी है तुम इसके फ़ोन खोने के साथ भाई देखो ये रात चोटी में आपको दिख पा रहा होगा ये है सकुंडा देवी, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम वहाँ तक नहीं जा रहे हैं, अभी हम यहीं से रिटर्न हो रहे हैं। तो भाई सॉरी फॉर दैट क्योंकि भाई ऑलरेडी वी आर लेट, क्योंकि टाइम हो चुके शाम के 4, क्योंकि अगर हम वहाँ चाहते हैं क्योंकि वहाँ पैदल का भी ट्रैक है, अपने को वहाँ सामने तक जाना है फिर वहाँ से पैदल का ट्रैक है, रोप वे चल नहीं रहा होगा, मौसम ख़राब है, तो भाई अपने को वापस जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको पता है कि भाई पीछे रोड कितनी ख़राब थी, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँच सके हैं। तो भाई आपको कुछ सीन दिखा दिया मैंने, अभी अगर आप घूमने आना चाहते हो ना सकुंडा देवी तो आप अप्रॉक्स यहाँ पे ना 12-1 बजे के आसपास पहुँचना तो आराम से आप सकुंडा देवी के दर्शन कर सकते हो, और फिर कभी अच्छी मौसम रहा ना तो फिर आएंगे सकुंडा देवी आपको मंदिर का जरूर दर्शन कराएंगे, ठीक है ना। फिलहाल सुमिति जी यार और मस्त धूप इसी के साथ खुल चुकी है, थोड़ी सी धूप का आनंद लेते हैं देन रिटर्न बैक होते हैं यहाँ से। तो अभी यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं भाई, सीधा यहाँ से निकलेंगे अपना धनोल्टी के बाद भाई मसूरी, क्योंकि धनोल्टी से मसूरी का रोड जो है ना बीच में थोड़ी सी ख़राब मिली थी हमें, क्योंकि वहीं का ट्रैक में जो है हमारी टाइम खा गया, तो इसलिए अभी क्या करने वाले हैं इधर का बैक निकलते हैं, क्योंकि अगर हम मसूरी 6 बजे भी टच कर जाएंगे तो फिर हम देहरादून 7 बजे तक पहुँच जाएंगे, तो अपना ये हिसाब किताब लेके चल रहे हैं, इसलिए हम आगे का प्लान कैंसिल कर रहे हैं। फिलहाल आप चेकआउट कर लेना भाई, यही है भाई जो भी है सकुंडा देवी। बाकी कौन सा ताल था वो भाई? काना ताल तो भाई नहीं जा रहे हैं आज, क्योंकि भाई नहीं पहुँच पाएंगे हम लोग ना, फिर या तो फिर अपने को यहीं स्टे करना पड़ेगा फिर धनोल्टी में। तो भाई सीन चेकआउट कर लेना, मस्त बर्फ़ पड़ रखी है, ये देखो बर्फ़ ही बर्फ़ है भाई यहाँ पे बर्फ़ में। अभी यहाँ पे रील शूट करी थी हमने तो मस्त रील शूट हो चुकी है। तो भाई निकलते हैं यहाँ से रिटर्न बैक टू धनोल्टी एंड देन मसूरी देन फिर घर। बीट अधिकारी में भी निकल रखा हो? हाँ बस सब पोस्टिंग मिल गई उसे, इसका भी आ गया आज, चलो अच्छी बात है। तो भाई दोस्तों अभी जो है हम सकुंडा देवी से वापस निकल रहे हैं, तो वापसी वाला रूट देखते हैं भाई कितना अभी फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो फाइनली हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमने रील शूट करी थी, और यहीं हमारे राइडर मिले थे, उसके बाद से आगे गए नहीं वो लोग वो 2 मिनट के लिए मिले भाई। ओहो भाई साहब जाते जाते लास्ट सीन चेक आउट पहाड़ों में ना भाई, ये तो पास तो ज़्यादा अच्छा है। भाई हम पहुँचने वाले हैं फिलहाल अभी मसूरी। सो भाई इस समय रात के टाइम हो रही है, अभी इस समय 9:30 हो चुके हैं, घर आते आते अपने को बज गए थे 9, तो फिलहाल अभी हमने खाना वाना खा लिया है तो अभी चाय पी रहे हैं भाई एंड काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, क्योंकि एक्चुअल में भाई हमने जो आंकड़ा लगाया था ना वो 160 किलोमीटर का लगाया था अप डाउन, बट ये 200+ हो गया, तो भाई काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गया। एंड आपको वीडियोज़ मिलेंगे कि भाई सब कैसा ऑफ रोडिंग एंड कैसा टिपिकल जो हमें राइड करनी पड़ी ना, जिसकी वजह से ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। एंड ये सारे वीडियोस आपको पार्ट वाइज मिलने वाला है, एंड आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा।
क्योंकि भाई देखो जो वहाँ की जो भाई धनोल्टी में तो बर्फ गिरी थी साथ में, बट भाई रोड इतनी खतरनाक हो रखी थी ना बर्फ की, मतलब ये मान के चलो कि एक एक फिट की लेयर थी और वो भी दबी हुई थी, और पाला गिरने के कारण वो दब गए थे, गाड़ी चल चल के वो दबा दी थी भाई, वहाँ से निकलना इतना डिफिकल्ट हो रही थी ना, जिसके वजह से भाई कमर की हैसी की तैसी हो रखी है, शरीर की हैसी की तैसी हो रखी है, बट अपने को क्या है कल ऑफिस भी जाना है, तो भाई एंड जो भी ब्लॉग सो जो भी ब्लॉग आज हमने कवर करी है देहरादून टू मसूरी धनोल्टी एंड शकुंतला देवी, तो आई होप कि आपको पसंद आएगा। भाई शकुंतला देवी हम मंदिर तक नहीं पहुंच पाए, दैट्स द इश्यू, क्योंकि टाइम नहीं बचा हमारे पास, क्योंकि हम एक डेढ़ घंटा जाम में फंसे रहे, फिर उसके बाद से भाई वो जो ऑफ रोडिंग थी वो बहुत खतरनाक वाली थी, वहाँ टाइम लग गया, इसलिए भाई शकुंतला देवी हम ऑन टाइम नहीं पहुँच पाए, पर कोई बात नहीं, जब भी मौसम सही रहेगा अच्छा रहेगा तब जाएंगे दर्शन करेंगे, कोई नो प्रॉब्लम, तो उसके लिए एक अलग से ब्लॉग देने वाले हैं। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय।